बताऊंगी कि मक्की कैसी तोड़ी जाती है और कैसी भुनी जाती है और कैसी बनाई जाती है और भुन के। तो सो चले मेरे खेत में। गाइस चलो मैं आपको अपने खेत में ले चलती हूँ कि किस तरह से मक्की तोड़ते हैं, और उनको आज मैं आपको पूरी प्रोसेस में बताऊंगी किस तरह से उनको चूल्हे पे भूना जाता है। सो गाइस आइए मेरे साथ। मक्की है वो छह महीने में बीजी जाती है और सौज में यानी कि सितंबर में रेडी होती है 15-20 एरिया में। तो गाइस ये मक्की ये रेडी हो चुकी है तोड़ने के लिए। गाइस ये रेडी है, ये पक चुकी है। इसके पकने का पता कैसे चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये दूसरी मक्की है, गाइस कोई भी मक्की है उसका पता कैसे चलता है कि अब रेडी हो चुकी है खाने के लिए। इसके जो ऊपर के हेयर होते हैं जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि अब ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। सो गाइस इस तरह से मक्की तोड़ ली मैंने अब। तो गाइस मैंने खेत से मक्की निकाल दी, अब चलते हैं मेरे किचन की ओर। ये मेरा किचन है, आइए गाइस मेरे किचन में। और ये चूल्हा है, ये चूल्हा है, इस पर हम मक्की को भूनेंगे। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी किस तरह भूनेंगे। ये मक्की चूल्हे में भून के तैयार हो चुकी है। इसमें हल्की हल्की राख हो तो आप ऐसे करके फूंक मार सकते हो। इसके खाने के तरीके ऐसे, या तो आप इसके ऊपर लेमन लगा सकते हो और उसके बाद नमक लगा सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना टेस्ट है। या फिर इसको ऐसे तोड़ के इसके तीन पीस कर लिए वैसे कर सकते हो। या फिर दोस्तों सबसे बेस्ट जो मेरा फेवरेट है वो यही है कि इसको हमने पहले दानेदार करके ऐसे निकाल देनी है पूरी इस मक्की को। पूरे दाने इसके ऐसे निकाल देने, सबसे बेस्ट तरीका है इसका ये। इसका फायदा ये है जब आप इस तरीके से इसको खाओगे तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर आएंगे। वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइज थोड़ी गर्म है लेकिन मैं कर रही हूँ इसको फास्टली। सो गाइज ये हमारी मक्की रेडी हो चुकी है। सो गाइज देखिए ये मक्की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें आप क्या है अखरोट डाल सकते हो, खमानी डाल सकते हो, हल्का सा नींबू, हल्का सा धनिया, और उस तरह से ये जो है नमक डाल के पूरा मिक्सअप करके ये जो मक्की है फिर खाने के लिए तैयार हो जाती है। सो गाइज मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से मक्की तोड़ी जाती है और उसके बाद उसको चूल्हे में किस तरह से पकाया जाता है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ताकि वो बहुत टेस्टी हो, स्पाइसी हो। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो उसमें स्पाइसी डालिए, अगर आपको नमक पसंद है तो नमक, जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद है वो इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि मक्की कैसे चूल्हे में भुनी जाती है। तो गाइस
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले। और इसी तरह से गाइस मैं आपके लिए नई से नई फॉर्मेटिव वीडियो लेती आती रहूंगी। आपकी हिम फेरी फ्रेंड कौशल्या कश्यप। बाय।